जी हाँ, आज तो सरस बाबू को सुभान अल्लाह कहना ही पड़ेगा। कुमुद सुंदरी कयामत का हुस्न लेकर सीरियल में पहली बार साड़ी पहनकर अपनी घनी खुली जुल्फों में प्यार का सावन लेकर उनके सामने जो आई है, कीमती चीज होती है, उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ता। वाह 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 वाह, चीज में नहीं कह रही अपने आप को, कीमती कह रही। सरस की ड्रीम गर्ल सिर्फ बेश कीमती ही नहीं, झील के इस कवल से भी ज्यादा खूबसूरत है, पानी की तरंगों से भी ज्यादा चंचल, ज्यादा शोक है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है, सब कमाल है। कुछ ऐसे हल्की सी साड़ी नहीं दे सकते? नहीं लाइव प्रोडक्शन वाले लाइव पर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इतनी गर्मी में मतलब जान निकली जा रही है। अब गर्मी लाख सताए, कुमुद को ये साड़ी पहनकर तो आना ही था। शादी से पहले ये सरस बाबू का हसीन तोहफा जो ठहरा, वैसे गर्मी से परेशान कुमुद ने सरस को भिगा कर उनके बेकरार दिल को थोड़ी ठंडक जरूर पहुँचा दी। कुमुद तो हाथ आने से रही, सो थक कर सरस ने ड्रायर की मदद से गीले कपड़े सुखाए और फिर शुरू हो गया चोरी चोरी चुपके चुपके निहारने का सिलसिला। प्रेजेंट मैंने दिया है, मैंने इनसे बोला था कि मुझे पहन के दिखाइएगा, मगर ये मुझे पहन के दिखाना नहीं चाहती। वो कहती अगर आप देखना चाहते तो सिर्फ पानी में रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अपनी गोल गोल बातों से आपने कुमुद को घुमा दिया, लेकिन हमें तो सब पता है कि आप दोनों में शर्त लगी है कि शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तभी तो सरस पानी में कुमुद का चेहरा नहीं निहार रही है। तो सरस बाबू, कुमुद का ये अक्स कितना खूबसूरत लगा? कुछ बोलना भी चाहो तो नहीं बोल सकता, एक्टर साथ में बैठा हुआ है। रिफ्लेक्शन में ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसे रियल में नहीं है ना, बिकॉज़ रिफ्लेक्शन में तो अलग अलग है ना। भाई जब आप इतने हसीन हैं तो आपकी परछाई भी उतनी ही खूबसूरत होगी ना, और उतना ही हसीन होगा आप दोनों का रोमांस। आज तक ब्यूरो।